तो पहले ही कहा है उसको सियासत का पता है, ठीक है, उसको क्रिकेट की और क्रिकेटर की प्रॉब्लम्स का पता है। आई विल नॉट एनवी हिम, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये भी एक मुकाबला हो सकता है, रमीज बमुकाबला गंगुली, दोनों अपने बोर्ड्स को कैसे चलाते हैं। मिसबा या रोकते थे या हिट मारते थे, सिंगल्स इतनी ज्यादा वो फ्रीली नहीं करते थे। आपकी क्रिकेट को प्रॉब्लम था कि सिंगल आपके बैट्समैनों को करने नहीं आती, ठीक है, आपने उसको लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, पाक टीवी के देखने वालों को हाफिज मोहम्मद इमरान खुश आमदेद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली, कौमी क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप में शिरकत और स्क्वाड के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट को किन मसाइल का सामना है, रमीज राजा साहब के आने से क्या मामला बेहतर हो सकते हैं और किन चीज़ों के ऊपर फौरी तौर पर उन्हें काम करने की जरूरत है, कोचिंग स्टाफ कौन सा होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी की फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कौन से प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप को सामने रखते हुए, इन पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट और मारूफ कमेंटेटर जनाब आमिर सोहेल साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर सोहेल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, आप सब क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, आपके साथी खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, आप दोनों इकट्ठे इनिंग्स का आगाज करते रहे हैं, बहुत सारा, बल्कि वो जो एक पाकिस्तान की तारीख है, एक तारीखी फतह है, उसमें आप दोनों इकट्ठे खेले। किस तरह से देखते हैं रमीज राजा साहब की, जब वो चेयरमैन बन रहे हैं वो, और आपके ख्याल में उनके सामने क्या मुश्किलात और हदफ उनका क्या होना चाहिए और मुश्किलात क्या आ सकती? देखिए, एक तो अच्छी चीज़ यह है कि जो एक्स क्रिकेटर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन रहे हैं। उसमें एडवांटेज ये है कि आपको क्रिकेट की सियासत का पता है, आपको ये पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ पर लैग कर रही है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान क्रिकेट को, जिससे हम क्रिकेट को आगे लेके जा सकते हैं। देखिए, बहुत अगर आप बाकी टीमों की बात करें तो जो टॉप की 3-4 टीमें, हमारा और उनका बहुत ज़्यादा गैप है, हम बहुत क्रिकेट में पीछे चले गए। तो उसको आगे लाने के लिए जो जो स्टेप्स ज़रूरी हैं, मेरा ख्याल है वो उनको करने की उसके ऊपर ज़रूरत है। ये एक अच्छी चीज़ है कि एक क्रिकेटर आया और मैंने जो पहले ही कहा है उसको सियासत का पता है, ठीक है, उसको क्रिकेट की और क्रिकेटर की प्रॉब्लम्स का पता है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है रमीज के लिए कि वो ये सारी चीजों को ओवरकम किस तरह करते हैं और किस स्ट्रैटेजी के साथ वो आगे बढ़ते हैं। मैं आई कैन विश रमीज ऑल द लक इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट आई विल नॉट एनवी हिज पोजीशन, I will not envy him, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, ये एक तरफ हम देखते हैं तो दुनिया के कई बोर्ड्स में जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आप ग्रेम स्मिथ को देख लें, जायल्स को देख लें, इंडिया में गांगुली प्रेजेंट बने हुए हैं, तो पाकिस्तान में रमीज बने हैं, तो ये भी एक मुकाबला हो सकता है, रमीज बमुकाबला गंगुली, दोनों अपने बोर्ड्स को कैसे चलाते हैं। देखिए, अब मुकाबला करने की जरूरत नहीं है, चैलेंज है ना। हाँ, अच्छा, इट्स अ चैलेंज। देखिए, उसके गंगुली को तो इतने चैलेंजेस नहीं है, उनकी क्रिकेट तो आराम से चल रही है, उनका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है, वाफर पैसे देते हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, IPL में उनके बड़े पैसे जाते हैं और उनकी टीम जो है वो अच्छी टीम बन चुकी है, वो टॉप टीम्स में आती है। हमारे चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, हमें अपने चैलेंजेस को एड्रेस करना, हमें किसी का मुकाबला नहीं करना। जब हम अपने चैलेंजेस को मीट कर लेंगे, हमारी टीम सबके मुकाबले में दोबारा आ जाएगी और आपको जो है वो पूरी दुनिया अप्रिशिएट करेगी अगर आपकी क्रिकेट आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो साबिक क्रिकेटर है, क्या वो भी ये उजर पेश कर सकता है कि सिलेक्शन कमेटी का अपना काम है, चेयरमैन हेड कोच का अपना काम है, मैं तो सिर्फ उन्हें सपोर्ट करने के लिए। देखिए, बात वही आ जाती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहाने नहीं चलते। अगर कोई ये कहता है कि मैंने उसको फुल पावर दी हुई है और वो आंसरेबल है, ये नहीं है। आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, अगर अच्छा काम होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो लोग हेल करते हैं, ठीक है, और उनकी तारीफ करते हैं। अगर फेल होगा तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिटिसाइज होगी और आप ये नहीं पॉइंट फिंगर्स नहीं कर सकते कि भाई ये उसका कसूर है या उसका कसूर है। बात यह है कसूर लगाने वाले का। अब लोग मिसबा के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, वकार यूनिस के ऊपर तनकीद करते हैं। आपके एक शो में देख रहा था नजम सेठी साहब के साथ, वो ये कह रहे थे कि बार के कोचेस होने चाहिए, लेवल 4 होना चाहिए। भाई लेवल 4 यही सारे मुसीबत है ना। लेवल 4 का ये मतलब नहीं है कि आप बड़े अच्छे कोच बन गया। देखिये कोचिंग के भी तरीके कार है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि हर किसी की अपनी थिंकिंग है, अपने उनकी कबाहते हैं, उनकी अपनी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक माइंड मेकअप करते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं ऑफिस से या ऑफिस में होते हैं तो फिर कुछ डिफरेंट किस्म के उजर पेश करते हैं। बात यह है कि जब आप किसी को लगा रहे हैं तो आपने डिलीजेंस नहीं की। ड्यू डिलीजेंस जो है उसको कहते हैं कि मदर ऑफ गुड लक है। जब आप डिलीजेंस नहीं करेंगे, अब आप देखें ना कि आपने मिसबा को जब कोच लगाया है, जिसने भी लगाया उसने तैयारी नहीं की हुई थी। देखिए मिसबा की अपनी जो इनएबिलिटी थी सिंगल्स करने की, आपको पता है कि मिसबा या रोकते थे या हिट मारते थे, सिंगल्स इतनी ज्यादा वो फ्रीली नहीं करते थे। आपकी क्रिकेट को प्रॉब्लम था कि सिंगल आपके बैट्समैनों को करने नहीं आती, ठीक है आपने उसको लगा दिया। अब ये मिसबा का कसूर नहीं है। ठीक है, अगर मिसबा की एक एबिलिटी है जिसको आप यूज करना चाहते हो और आपने ये डिटरमिन करना है कि मिसबा हमारे लिए टेबल पे क्या लेके आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर एक प्लेयर है जिसका डिफेंस तगड़ा नहीं है और आप उसको जिम्मेदारी दें कि तुमने 2 दिन विकेट के ऊपर खड़े होके बारी लेनी है, वो नहीं कर सकते। अच्छा, अभी आपने सेठी साहब का जिक्र कर दिया है। सेठी साहब ने एक और भी कहा कि पाकिस्तान में जो टॉप स्टार्स हैं वो अच्छे कोच नहीं हो सकते हैं, वो अपने ईगोज में रहते हैं, सियासतें होती हैं और इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं। आपको लगता है वाकई पाकिस्तान में कोई नामवर कैरेक्टर या कोई भी कैरेक्टर अच्छा कोच नहीं है? ये देखे ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया ना कि ये है। अब आप देखें आपने क्या किया है। आपने ये जितने भी लोग आए हैं और ये बात कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा स्टेप किया है कि हमारे कोचेस की जो कैपेसिटी है वो बिल्ड करें। ठीक है ना, अगर नजम सेठी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रहे हैं, ठीक है, अब वो टीवी पे आके ये कह के गए हैं कि जी वो फलाना कोच अच्छा नहीं है, फलाना कोच अच्छा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो फिर अगले क्रिकेट बोर्ड ने आके क्यों रख लिया वकार यूनिस को? ठीक है, एक कह के गया कि अच्छा नहीं है, दूसरे ने रख लिया। अब क्वेश्चन ये है कि आपने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या किया है? है ना, अब ये कहते हैं जी कि प्लेयर्स की ईगो बहुत ज्यादा है। सवाए जनरल तौकीर ज़िया के बाकी किसी ने भी आज तक क्रिकेटर्स को इकट्ठे बिठाया नहीं बिठाया। ठीक है, ये खुद डिवाइड करते हैं। ये खुद जो है आके रिफ्ट्स क्रिएट करवा के और ये फिर अपना काम करते हैं। वो जो गोरे का पुराना रूल था डिवाइड एंड रूल,